वीडियो शुरू करने से पहले यार बता दूं कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी करके रखा है या फिर अभी करने वाला हो तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन होते हैं ना ऑल पे कर लेना, क्योंकि पर्सनलाइज पे रखोगे तो नोटिफिकेशन देगा नहीं। अभी यूट्यूब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखना। हाय दोस्तों, मैं देवर आप सभी का माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एक हिट लाइक जरूर करके जाना। आप मतलब वीडियो देख के चले जाते हो, इतने लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करके जाया करो यार, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। प्लीज़ इस वीडियो में 50 लाइक कायम रखता हूँ, प्लीज़ प्लस 50 लाइक कम्प्लीट करा दो। आपसे रिक्वेस्ट है कि 50 लाइक, यार इतनी मेहनत करता हूँ, 8 घंटे काम करता हूँ मैं यूट्यूब पर, तो प्लीज़ एक हिट लाइक ज़रूर बनता है, प्लीज़ हिट लाइक ज़रूर करके जाना। अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज अपन एज 2 के बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हैं, तो आज की वीडियो लिटरली बहुत खतरनाक होने वाले, प्लीज़ मिस मत करना और पूरी वीडियो देखना। और बहुत सारी क्राफ्टिंग टेबल बनाने वाले हैं आज अपन, और एज 2 में यार बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ है यार, लिटरली यार बहुत चीज़ें हैं। तो अब जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। क्राफ्टिंग स्टैंड बनाना था तो पहले क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी, या फिर क्राफ्टिंग स्टैंड, तो वुड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। बहुत सारी वुड मैंने इधर ये चेस्ट में जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है वो मैं डाल देता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो एक क्राफ्टिंग स्टैंड हो गया है और एक एडवांसमेंट भी कम्प्लीट हो गई है। अब इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, नीचे लगा दूँगा यार, ये थोड़ा एरिया कवर घेर लेगा नहीं तो। और ये नेक्स्ट क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए अपन को पैटर्न बनाने पड़ेंगे, पैटर्न के लिए अपन को वुड कट करके लानी पड़ेगी। और यार ये बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी यार, ब्रेक बनाना पड़ेगा अपन को, बहुत सारी चीज़ें अपन को जल्दी से मैं कट के करके लाता हूँ यार। ये मेरे को प्लैंक भी मिल जाएंगे और ये जो चीज़ें मुझे चाहिए वो भी मिल जाएगी, तो अपन जल्दी से कट करके लाता हूँ मैं यहाँ से, कर लेते हैं जल्दी से, जितनी हो सके उतनी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करूँगा। और ये खा इसकी मतलब स्किन भी उतार लेते हैं, मतलब वुड की, और इससे अपन को बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं अब यार। अपन प्लैंक भी बना सकते हैं, मतलब सब कुछ बना सकते हैं ये, तो अपन को ज़्यादा मेहनत नहीं करेगी करनी पड़ेगी क्राफ्टिंग टेबल में। तो ये यहाँ से कट कर लेता हूँ और हो सका इतना मैंने ले लिया, अब जल्दी से पैटर्न बना लेता हूँ और ज़्यादा ही बना लेता हूँ यार, उससे बहुत काम आने वाले हैं पैटर्न, बाद में मेरे को दोबारा से ना बनाने पड़े, इसलिए मैं हो सके उतने एक स्टैक तो बना ही लेता हूँ 64 का। और ये भी रख देता हूँ, इनको मैनुअली रखना पड़ेगा नहीं तो बार बार मैं ऐसे क्लिक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये बन गया मेरे को 56, लगभग 60 के आसपास बन गए, बहुत है। और ये अपना पार्ट बिल्डर बनके तैयार है, और अब पार्ट चेस्ट भी बना लेते हैं। एक पार्ट चेस्ट कैसे बनती थी मेरे को पता है, ऐसे रखना है एक चेस्ट और इसके दोनों तरफ स्टिक रखनी है, ऊपर ये पैटर्न रखना था और नीचे की तरफ एक प्लैंक रखना था। ये अपना पार्ट चेस्ट बनके तैयार है, तो अब इनको मैं लगा भी देता हूँ यहाँ पर, और ये कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक हिसाब से। देखो जहाँ भी लगाओगे ये तीनों कनेक्ट होगी, बस मतलब एक रो में होना चाहिए, मतलब सारे जॉइंट होने चाहिए एक साथ। तो बाकी की टेबल भी बना लेते हैं, ये चेस्ट स्टैंड बनाना है और टूल, ये चेस्ट स्टैंड बन के तैयार है। और ये और भी ये चीज़ बना लेते हैं, टेबल भी ये भी बनानी थी, और एक लास्ट और है शायद, इसके लिए क्राफ्टिंग टेबल चाहिए होगी। तो एक क्राफ्टिंग टेबल बन के तैयार है और ये भी बन के, टूल स्टेशन भी बन के तैयार है। तो अब सारे को लगा देता हूँ, एक रो में लगाना है और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ये अलग अलग है, सारे अलग अलग चीज़ काम आती है इनकी। तो देखो पार्ट बिल्डर सारे काम करें, और 4x4 गेमिंग के पता नहीं पार्ट बिल्डर क्यों नहीं काम कर रहा, बट मेरे में तो काम कर रहा है, आई डोंट नो, आप पता नहीं, मैंने तो चेक किया, देखो मेरी सारी चीज़ें काम कर रही हैं अच्छी तरीके से, उनका पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। कोई बात नहीं, छोड़ो इनमें बता देता हूँ एक, मतलब आपको एक सोर्ड बना के दिखा देता हूँ इसमें कैसे बनाते हैं। इसकी सोर्ड मतलब स्टोन की सोर्ड से पावरफुल है, बस थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है बट पावरफुल है। तो सबसे पहले अपन को ब्लू प्रिंट बनाने पड़ेंगे, तो इन प्रिंट के लिए अपन को पहले देखनी चाहिएगी कि सोर्ड मतलब इनके लिए क्या क्या चाहिए। तो अपन को एक बनानी थी सोर्ड, तो सोर्ड के लिए बांधने के लिए रस्सी चाहिए थी, रस्सी का एक प्रिंट चाहिए होगा, और एक चाहिए थी स्टिक का प्रिंट, और एक स्टिक का और एक ऊपर वाली ब्लेड का प्रिंट चाहिए था, और इसका भी प्रिंट बना लेता हूँ। अब ये बनके तैयार, अब सोर्ड देखते हैं। और ये सोर्ड की और तो कुछ काम की, और एक ही और बनाना था, मतलब ये इंगट है, ये स्टोन का इंगट बनेगा, इससे अपन रिपेयर कर सकते हैं, अगर अपनी सोर्ड या मतलब कुछ भी टूट जाए तो उनको रिपेयर भी कर सकते हैं। और देखते हैं एक बार, ये बन के 30 बन गए, कोई नहीं।
और अब देखते हैं ये बहुत पावरफुल बन जाएंगे ना, अपन ऑप्सीडियन में कन्वर्ट कर देंगे, बट अभी ऑप्सीडियन डायमंड अभी मिले नहीं है, तो मिलेंगे जब इनको मतलब अपडेट करेंगे तब इन सोर्ड को, तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगी, मतलब डायमंड की सोर्ड से भी बहुत ख़तरनाक हो जाएंगी। तो बस इनको ये बना लेने, स्टिक बन के तैयार है, बाकी की चीज़ें बना लेता हूँ, सारी चीज़ें बना लेता हूँ, ये रस्सी भी बना लेता हूँ, ये रस्सी भी बन के तैयार है। और एक चीज़ और बनानी थी, एक पुर वाला ब्लेड बनाना था ना, ये ब्लेड भी बना लेते हैं, फिर अपनी एक सोर्ड पूरी बन के तैयार हुई है, बनी क्यों नहीं, शायद ये रखना पड़ेगा ना, हाँ ये बन जाएगी, तो ये ब्लेड भी बन के तैयार है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, तो अपन को सोर्ड बना लेते हैं ना, हाँ सोर्ड में इसको रख दो यहाँ पे, और ये सोर्ड बन के तैयार, और इसका अटैक डैमेज 5 का है, और ये ब्रोंज को बीट करती है, मतलब ब्रोंज के बराबर है, इसकी स्पीड बस 1 कम है, बट इसकी स्पीड सब कुछ अच्छी है। अगर अपन इसको अपडेट करेंगे ना तो जब ये बहुत ओपी बन जाएगी, बट अभी तो नहीं। और यार ये ब्रोंज का नहीं बन रहा यार, ब्रोंज की बन जाती तो ये ख़तरनाक वाली बन जाती, बट कोई नहीं अभी नहीं यूज़ कर सकते, अभी मुझे पता नहीं इनको कैसे बनाते हैं, बट बना सकते हैं। तो अपन को एक ग्लास बनाना था, ग्लास की भी एडवांसमेंट करनी थी, तो लगभग मैंने सारी चीज़ें बना ली हैं, इनको हटा देता हूँ। अब अपन एक अपन फार्मिंग टेबल बनानी थी, फार्मिंग टेबल का यूज़ तो पता नहीं, बट ये एडवांसमेंट है तो एडवांसमेंट तो कम्प्लीट करनी पड़ेगी अपन को, तो जल्दी से फार्मिंग स्टेशन बना लेते हैं। और इसके लिए स्टिक चाहिए होगी और अपन को प्लैंक चाहिए होंगे, तो अपना फार्मिंग स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा। तो नॉर्मली ये 2 और ये 1 और बनाना, 8 चाहिए होंगे, तो अपनी फार्मिंग स्टेशन बन के तैयार है, तो इसको लगा देता हूँ, फार्मिंग एरिया में लगा देता हूँ। तो यहीं का कोई काम होगा, बट अभी तो मेरे को नहीं पता है क्या काम आएगा, बट मैंने लगा दिया इसको। इसमें कुछ रख भी नहीं सकते यार, देखो रख भी नहीं सक रहे, और इसका यूज़ भी नहीं बता रहा है कि इसका काम क्या आएगा, बट यार एडवांसमेंट में दिया है तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो होगी, तो कोई नहीं। अब एक ये एक मतलब अपन एक पोर्टेबल, मतलब क्या बोलते हैं, क्राफ्टिंग टेबल बना रहे थे जो अपन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको, तो देखो इससे अपन कहीं भी जाकर यूज़ कर सकते हैं, ये पोर्टेबल मतलब क्राफ्टिंग टेबल है भाई, लिटरली बहुत ख़तरनाक है क्राफ्टिंग टेबल। अपन को घर आना पड़ता है बार बार में, या वुड कट करके फिर क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ती है। अगर अपन इसको अपनी इन्वेंट्री में रख लें तो बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो कोई नहीं अभी के लिए ठीक है। अब अपन को सैंड से अपन को इसका डस्ट बनानी पड़ेगी, फिर डस्ट को अपन को इसके अंदर रखना पड़ेगा यार, तो इसको अंदर रख देता हूँ, डस्ट की ये डस्ट रख देता हूँ, सैंड की डस्ट, और फिर ये मेल्ट होगी, मेल्ट होगी फिर ये ग्लास बनेगा। और यार डस्ट जा नहीं रही इसके अंदर, एक बार इसके अंदर गो मतलब क्या बोलते हैं कॉपर पड़ा हुआ है, तो कॉपर को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक होपर लगा देता हूँ और इसके ऊपर चेस्ट लगा दूँगा, और ये निकाल देता हूँ इसका जितना भी ये कॉपर पड़ा है इसके अंदर, और ऊपर की तरफ चेस्ट लगा देता हूँ, और उसके अंदर सैंड डाल देता हूँ ना, सैंड की ये डस्ट, तो अपन को ग्लास बना के दे देगा। ये एक ब्लॉक एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो इसको निकाल लेते हैं कॉपर का, और इसको तोड़ना पड़ेगा यार, ये तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये बाहर नहीं आएगा अदरवाइज़। ये लग जा यार, ये लग भी नहीं रहा, लग जा भाई लग जा, तो लग गया। अब ये कॉपर का ब्लॉक नीचे क्यों नहीं जा रहा, ये शायद होपर इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। तो ये मेल्ट होने में थोड़ा टाइम ले लेगा यार, सैंड ये थोड़ी मेल्ट होने में टाइम लेती है, तो कोई बात नहीं। अब अपन एक बेड बना लेते हैं, गद्दीदार बेड, तो बहुत दिन हो गए अपन घास फूस पे सोते हुए, तो अब अपन को ये वूल मैंने कलेक्ट करके रख रखी है, और मेरे को ये शुगर कैन चाहिए होगी, तो शुगर कैन को इसमें रख देंगे, और इसको ऐसे रखना होगा, इसको 4 बनाने पड़ेंगे मेरे को, और ये 4 बन के तैयार है, 4 बन गए होंगे ना। अब इसको ऐसे रखना होगा, एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा शुगर कैन के इनका। अभी मेरे को ये एक वूल मिलेगी, ओनली एक वूल, तो ऐसे करके मुझे 3 वूल बनानी पड़ेगी। तो यार बहुत ज़्यादा यार हार्ड होता जा रहा है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे हार्ड होता जा रहा है। अभी तो मून पे जाना है, तो अभी एंड तो बहुत दूर है, लिटरली बहुत दूर है इस सीरीज़ का एंड तो। और ये शुगर कैन थोड़ी सी और ले आता हूँ, ख़त्म हो गई है, तो मुझे 2 और वूल बनानी पड़ेगी, तो वूल के लिए यार ये शुगर कैन चाहिए होती है। आई डोंट नो कि रियल लाइफ में भी ऐसे ही बनती है क्या वूल, बट बना लेते हैं, वूल भी बना लेते हैं। तो ये शुगर कैन ऐसे ले ली, और इसका ब्लॉक बनाना था ना, ये एक ब्लॉक बन के तैयार है, और ये अपन यहाँ 8 बन चुकी हैं, तो अपन 2 ब्लॉक बन जाएंगे इसके। और अब अपन वूल बना लेते हैं, 2 वूल बन के तैयार है अपनी, और ये दूसरी, और एक वूल और चाहिए, तो वो भी बन जाएगी शायद।
हाँ एक वूल और बन जाएगी, तो अपना बेड बन जाएगा फाइनली। तो फाइनली अपनी एज 2 में जाकर अपना रियल बेड बनाया, देखो कितना मुश्किल है बेड बनाना भी। तो इसको कहाँ लगाऊँ, अपने घर के पास ही लगा लेता हूँ, ज़्यादा दूर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लगा देता हूँ इसको बेड को, तो कोई बात नहीं, रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर देता हूँ, मरूँ तो यहीं स्पॉन हो जाऊँ। तो अब ये ग्लास भी बना लेते हैं, ग्लास के लिए यार मेल्ट बहुत धीरे धीरे हो रहा है यार, मेरे को ऑफलाइन काम करना पड़ेगा यार। यार मैं तो सोचता हूँ कि रिकॉर्डिंग में हो जाए तो ही ठीक है, अदरवाइज यार बहुत धीरे धीरे होता है मेल्ट। तो अब अपन को एक पेपर बनाना है, तो पेपर बनाने की रेसिपी और इसको अपडेट करना था। तो अब अपन को आयरन ये खोजने जाना है, तो ये इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, और एक पेपर बना लेते हैं सबसे पहले। तो पेपर के लिए अपन को ग्लू चाहिए होगा, और जो मतलब पेड़ को काटते हैं, मतलब पेड़ को काटते हैं तब जो डस्ट निकलती है, जो उसका बुरादा होता है, तो वो चाहिए होगा। और पेपर ऐसे ही बनता होगा शायद, इसको रखो बुरादे को, और एक ग्लू और एक पानी चाहिए था ना, पानी चाहिए था ना शायद, ये नीचे वाला ना। हाँ ये एक कितने बने मेरे को, ये अभी तो 2 ही बने यार, मेरे को ऐसे करके बहुत सारे बनाने पड़ेंगे पेपर, तो यार बहुत हार्ड है पेपर बनाना। तो ये बना लेता हूँ जल्दी से, फिर इनको सुखाना पड़ेगा, सूख कर फिर पेपर बनेगा, बहुत मुश्किल है यार, पेपर इनको गीला करना पड़ रहा है। अब इनको सुखा देता हूँ जल्दी से जाकर, जितने भी बने हैं इनको सुखा देते हैं जल्दी से, और इनको यहाँ पे सुखा देता हूँ मैं, सूख जाओ भाई। ये सूखने में थोड़ा टाइम लेगा, 5 से 10 मिनट ले लेगा, और सूखने के बाद मुझे पेपर ही मिलेंगे डायरेक्ट यहाँ पे। तो ये लगभग 10 बना लिए मैंने, तो शायद ग्लास मेल्ट हो गए होंगे, तो ये तो सूखने में टाइम लेगा, तो अपन जल्दी से ग्लास देख लेता हूँ। तो वो डस्ट साइड मेल्ट हो चुकी होगी, एक ग्लास तो बन जाएगा, अपनी एक एडवांसमेंट तो कंप्लीट हो। तो अब इसको ठंडा होने देते हैं, अभी गर्म है ना, तो एक बार ठंडा होने के बाद में ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ग्लास बनाने भी इतना हार्ड होता है, मेहनत देखो लोगों की, लोग जो ग्लास बनाते हैं रियल लाइफ में वो देखो कितनी मेहनत करते हैं, पहले डस्ट को मेल्ट करते हैं, फिर देखो कितनी मेहनत करते हैं जब जाके एक ग्लास मिलता है, और हम अपन लोग ऐसे तोड़ देते हैं ग्लासों को। और फिर तो अपने पास तो पैसे हैं यहाँ, जिनके पास नहीं है उनकी थोड़ी केयर करा करो सामानों की। तो कोई बात नहीं, अपने पास से ग्लास बन चुका है, और अपन एडवांसमेंट कंप्लीट हो गया, और इसको भी अपडेट कर लिया है। तो अपन जाएंगे थोड़ी आस पास ढूँढने के लिए, आयरन गोल्ड और लैपिस, ये 3 चीज़ें ढूँढनी थी, अब चलते हैं। तो पास में ये तो क्या, ये क्या चीज़ है, ये तो टिन है यार, कोई काम की चीज़ नहीं है, टिन मिला है मेरे घर के पास, बस कॉपर टिन है और कोल है और कुछ भी नहीं है, मेरे को दूर जाना पड़ेगा यार। और मैं ऑफलाइन निकाल लाऊंगा बहुत सारे कॉपर आयरन और कॉपर नहीं टिन, और ये लैपिस है ना यार, यहाँ पे ये एजेंट पता नहीं क्या दिखा रहा है, कुछ नया ब्लॉक होगा शायद यार, मुझे यहाँ पे शायद माइनिंग करनी पड़ेगी, एक बार देखो ना यार, कुछ ना कुछ तो निकलेगा यार, इसमें नाम चेंज कर रखे हैं मतलब। ओ देखता हूँ यार, नीचे जाके देखता हूँ कुछ निकलेगा, आई डोंट नो यार ये है क्या, इनको देखना तो पड़े यार एक बार इसको यार, ये तो कॉपर है यार, कहाँ गए यार, गलती से कॉपर निकाल लिया यार, कॉपर है, कोई नहीं वहाँ पे चलते हैं यार, कॉपर माइनिंग कर ली मैंने, मेरे को कॉपर नहीं चाहिए यार, मेरे पास वो कॉपर भर भर के एक चेस्ट पड़ा है, पूरा चेस्ट कॉपर का पड़ा है मेरे पास। तो आस पास और ढूंढते हैं, यहाँ पे तो यार कुछ भी नहीं मिल रहा है, नीचे लावा पड़ा है बहुत सारा, लावा की तो कोई कमी नहीं है, लावा बहुत है यहाँ पे, बट मुझे यार जो आयरन चाहिए था, गोल्ड चाहिए था, लैपिस चाहिए था, और यहाँ पे मुझे लैपिस के प्रिंट मिले हैं, बट मुझे ढूंढना पड़ेगा वो मशीन कहाँ पर है यार, ऐसे नहीं ढूंढ सकता वो मशीन कहाँ पर है ढूंढने वाली, ओ ये रही। तो फाइंड करते हैं कि आसपास मतलब लैपिस के कोई क्लू मिल जाए, 48 आ रहा है ना, तो यहाँ पे नहीं है लैपिस अभी फ़िलहाल, 48 यार, यहाँ पे लैपिस ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो रहा है यार, भाई लैपिस मिल जा भाई, लैपिस के प्रिंट तो मिल गए बट ये लैपिस नहीं मिल रहा है यार, ये देखो और लैपिस पड़ा है, बट यार इसका यहाँ पे कुछ क्लू नहीं मिल रहा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे माइन करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, लैपिस अभी मिलेगा जब यहाँ पे इनके क्लू मिलेंगे। तो कोई नहीं, अब यहाँ से निकलते हैं यार, मैंने बोर्ड ढूंढ लिया लगभग, और ये ब्लॉक ले लेता हूँ, ये ब्लैक स्टोन है, ब्लैक स्टोन से बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, तो ये ले लेता हूँ, और मेरे घर के पास भी हैं तो जितने हो सके मैं ले लेता हूँ, और मेरे घर के पास बहुत सारे ब्लैक स्टोन हैं तो मैं वहाँ से निकाल लूँगा, वैसे इनकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जब भी इनका यूज़ आएगा काम आएंगे। तो
तो अब आगे चलते हैं और अपन को आयरन ढूंढना था यार। आयरन मिल जा भाई, आयरन आयरन आयरन। तो फाइनली मुझे आयरन मिल चुका है। तो आयरन की प्रिंट तो यहीं पे दिखा रहा है शायद। आयरन यहीं पे माइन करना पड़ेगा ना। तो मुझे लैपिस मिल चुका है, आयरन मिल चुका है, बस गोल्ड की बारी है। तो अब जल्दी से यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। और यहीं पे दिखा रहा है आयरन बहुत सारा मिलेगा शायद। नहीं, बहुत सारा ही मिलता है इसमें, मतलब एक साथ अलग अलग नहीं मिलता, एक साथ ही मिलता है जितना भी मिलता है। तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ये आयरन आ चुका है, अभी इनको तोड़ लेता हूँ। तो ये आयरन वाली अपनी एडवांसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है, बस अपन को अपनी गोल्ड वाली एडवांसमेंट और कंप्लीट करनी है। तो वो भी ढूंढ लेंगे। और लैपिस मैं वहाँ पे ढूंढूंगा वहीं पे आसपास, बट मुझे वो मिला नहीं है। मैं ऑफलाइन चेक करूंगा यार, वीडियो में ज़्यादा मैं इतना कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ढूंढना है। तो उतना ठीक है, तो लगभग मैंने निकाल लिया थोड़ा बहुत, और मैं ऑफलाइन निकालूंगा, नहीं तो अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अपन चलते हैं गोल्ड फाइंड करने के लिए। तो गोल्ड के लिए पता नहीं यार किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मेरा घोड़ा कहाँ पे गया, यहीं पे हैं, ढूंढ लेता हूँ और चलते हैं फिर गोल्ड फाइंड करने। तो फाइनली मैं थोड़ा सा विलेज के पास आया हूँ और यहाँ पे मुझे गोल्ड के प्रिंट मिले थे, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रे। तो ये गोल्ड है और गोल्ड को भी ढूंढना पड़ेगा, यहाँ आसपास ही इसके प्रिंट मिले हैं। तो कोई बात नहीं, तो अपन को गोल्ड के प्रिंट भी मिल चुकी है, आयरन मिल चुका है, लेपिस मिल चुका है। तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई, लेंथी वीडियो हो गई, तो इतनी रखते हैं। और प्रिंट ढूंढ लूँगा मैं आसपास, ऑफलाइन निकाल लूँगा बहुत सारा गोल्ड आयरन और लेपिस। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ख़तरनाक होने वाली, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत सारी मैजिकल चीज़ बनाने वाले हैं, और मतलब हवा में उड़ने की, फ्लाइंग की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाने वाले हैं जो बहुत डिफरेंट टाइप की होने वाली है और बहुत ख़तरनाक होने वाली है। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, लिटरली ये मोड उतना ही ख़तरनाक होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो भी बने रहो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ 50 लाइक का एम कंप्लीट कर दो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय टाटा सी यू, अपना ध्यान रखो और कोरोना से बच के रहो। तो बाय बाय टाटा सी यू, बाय बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।